गाइज कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है तीज, तीज की आप लोग बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरी माई के साथ आया है तीज, तो आया तो कई दो तीन दिन पहले से ही था, लेकिन मैं आज आप लोगों का इसके वीडियो आज बना रही हूँ, आज दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये है मेरे लिए साड़ी, और ये साड़ी मैं आज पहनूँगी तीज में, ये साड़ी मैं आज पहनने वाली हूँ। और ये है ओमांस के लिए कपड़ा, दिखाओ अपना कपड़ा, दिखाओ दिखाओ, ये है ओमांस के लिए कपड़ा, ये है ये ओमांस के लिए कपड़ा आया है। स्पाइडर मैन वाला है, इनको बहुत पसंद है, तो इसलिए स्पाइडर मैन कपड़ा आया है। उधर रखो, ये और इनके पापा के लिए आया है, ओमांस के पापा के लिए कपड़ा आया है। और ये मेरे लिए सूट आया है, चुनरी दुपट्टा है इसका, चुनरी दुपट्टा है और चुनरी सलवार है, और ये सूट है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सूट है और ये दुपट्टा है और ये सलवार है इसका पैंट वाला, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बहुत सुंदर है, सब कुछ बहुत सुंदर है, सब कपड़ा बहुत सुंदर है। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये मैंने मेहंदी लगा लिया है रात में ही, हाथ पे अभी नहीं लगा पाए, पर ऊपर लगाए हैं, अभी लगाना इसको बाकी है। और ओमांस भी मेहंदी लगाए, दिखाओ ओमांस अपना मेहंदी दिखाना, ये ओमांस के हाथ पे मेहंदी क्या लिखा है बाबू, ये इनके हाथ पे लिखा है ओमान। मम्मा पापा आ गया, अभी पापा नहीं आए, अभी ओमांस के आँख में पूरा स्वेलिंग हो गया था, अब देर में सही हुआ, अब थोड़ा सा बस बचा है। अच्छा खोल ले, खोल ले पापा, अपना कपड़ा दे नहीं रहे हैं, आगे का वीडियो मैं तैयार होकर आप लोगों को दिखाऊंगी, और अभी सब रख देते हैं, तैयार हो जाऊंगी तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, अभी सब सामान रखते हैं। और मिठाई उठाई आया था तो मिठाई उठाई हम लोग खा चुके हैं, और अभी फल और मिठाई आया था तो वो भी नहीं है, ये सब था तो मैं सोची हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ। चूड़ी कंगन इसका हम निकाल के मैं रखी हूँ, तो चूड़ी कंगन अभी इसमें नहीं है, और सामान जैसे आलता था और मेकअप का सामान था उसको मैं निकाल के रखी हूँ अभी। ये ओमांस का टी शर्ट है, ओमांस को बहुत पसंद आया है, क्योंकि ओमांस को स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इनको बहुत पसंद आया है स्पाइडरमैन वाला टी शर्ट ना बाबू, स्पाइडरमैन वाला टी शर्ट इनको बहुत पसंद आया है। बच्चों को स्पाइडरमैन हल के सब बहुत अच्छा लगता है ना, तो इसलिए ओमांस को बहुत ज़्यादा पसंद आया। हाँ स्पाइडरमैन टी शर्ट ओमांस पहनेंगे, आज ओमांस भी तैयार होंगे नहा के, मम्मा सजाएंगे पूजा करने, ठीक है। और आप लोगों को तीज की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से आप लोगों का व्रत हो। हाँ बोलो, हाँ ओके, ऐसे पहनना आपको। और गौरी माता की और भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर सदा बनी ही रहे, बस यही शुभकामनाएं हैं। हैप्पी तीज सभी लोगों को, मिलते हैं शाम को तैयार होने के बाद, अभी के लिए रखते हैं, फिर शाम को मिलते हैं तैयार होकर। यहाँ पे बनाया मैंने अपना ब्लाउज खुद से, मैं सिल रही हूँ उसको, क्योंकि यही मुझे पहनना है शाम को, मैंने इसकी सिलाई खुद से की, और उसके बाद से सिलाई उलाई करके फिर इसको तैयार की हूँ। साड़ी में फाल लगाई हूँ, मेरे साथ ऐसी बात हो गई थी कि क्या कहते हैं, साड़ी में मैंने फाल लगा तो जल्दी जल्दी में उल्टा लग गया था, इसलिए जाने के टाइम में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया मंदिर पहुंचने में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा अंधेरे में पहुंचे थे, तो अभी हम लोग मंदिर पहुंचने वाले हैं, मतलब रात, तो अभी हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। देखिए कितना भीड़ लगा हुआ मंदिर में, और पंडित जी यहाँ पे बैठे हैं, कथा सुना रहे हैं, पंडित जी पता नहीं कितनी बार कथा सुना चुके हैं, हम लोग पहुँचे तो फिर कथा शुरू होने जा रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा कथा सुने हैं, उसके बाद से आरती हुई है, चल मैं बस थोड़ा सा वीडियो बना पाई हूँ मंदिर का। कितना यहाँ पे भीड़ लगा है पूरे मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था, आधे से ऊपर लोग तो चले आए घर हम लोगों के आने से पहले ही, उसके बाद से तभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ लगा था, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था पहुँचने में हम लोगों को।
देखिए और कथा भी जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने यह मुझे सुनने की बहुत इच्छा है, तो कृपा करके आप कहिए। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार के भूल अनेक प्रकार के जो सदैव बटन के जटे हुए हैं तथा गंगा के तट पर हैं, उन सबका मैं मुक्का रखता हूँ। तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रह करके वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रवण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग करके तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता तो होकर के सोचने लगे कि मैं इस कन्या को से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहाँ आए और देवर्षि नारद जी ने तुम शैलपुत्री को देखा और तुम्हारे पिता ने हिमालय ने देवर्षि को आगे को प्यार से लेकर के सम्मान से दिखाया और कहा है यहाँ आया है। तुम मेरी बात सुनो और अपनी कन्या का उत्तम वर को दान करें। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत में आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय ने बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है। आभ्यद पूर्वक कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करें।